हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे असली और नकली दूध की पहचान कैसे करें। आप दूध को सूंघकर, टेस्ट करकर कई तरीकों से पता लगा सकते हैं कि दूध में मिलावट है या नहीं। क्या दूध में मिलावट कई तरीकों से की जाती है? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, दूध की मिलावट की कई बातें सामने आती हैं। दूध में अलग अलग तरीके से मिलावट की जाती है। दूध में इस मिलावट को पता करना आसान नहीं होता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिलावटी दूध के बारे में पता करने का तरीका। नकली दूध को आप इन तरीकों से पता लगा सकते हैं, दूध नकली है या असली। अगर दूध में सिंथेटिक की मिलावट की गई है तो उसे सूंघ कर पता किया जा सकता है। अगर आपके सूंघने पर दूध में साबुन जैसी गंध आती है तो समझ लीजिए आपका दूध नकली है, इसमें मिलावट की गई है। दूध नकली है या असली, इसके लिए दूध की एक या दो बूंद को चिकनी लकड़ी या पत्थर की सतह पर टपका कर देखिए। अगर दूध बहता हुआ नीचे आ जाता है और सफ़ेद धार सा निशान बना लेता है तो समझ लें कि दूध असली है। अगर ऐसा नहीं है तो दूध नकली है। दूध में मिलावट है या नहीं, इसे दूध को पी कर भी पता किया जा सकता है। अगर स्वाद में आपका दूध हल्का मीठा है तो समझ लीजिए ये दूध असली है। वही नकली दूध में सोडा या डिटर्जेंट होने की वजह से कड़वा होता है। जो असली दूध होता है वो कभी रंग नहीं बदलता, वही नकली दूध जल्द ही रंग बदल लेता है। दूध को स्टोर करने पर भी आप पता कर सकते हैं कि दूध नकली है या असली है। अगर दूध रंग बदल लेता है तो समझ जाएं कि दूध में मिलावट की गई है। दूध में पानी की मिलावट की गई है या नहीं, इसका भी पता किया जा सकता है। दूध में मिलावट का पता करने के लिए उसे एक काली सतह पर छोड़ दें। अगर दूध में पानी की मिलावट है तो दूध के पीछे एक सफ़ेद लकीर छोड़ता है, वही नकली दूध ऐसा कुछ नहीं कर पाता। दूध की असलियत पता करने के लिए आप दूध को उबाल भी सकते हैं। अगर दूध के उबलने पर रंग बदलता है और ये दूध पीले रंग का हो जाता है तो ये दूध नकली है। दूध में डिटर्जेंट की मिलावट को पहचानने के लिए दूध की कुछ मात्रा को एक कांच की शीशी में लेकर जोर से हिलाएं। अगर दूध में झाग निकलने लगे तो इस दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। अगर यह झाग देर तक बना रहे तो दूध के नकली होने में कोई संशय नहीं है। दूध यदि गर्म होने के बाद पीला दिखने लगे तो समझ लीजिए कि इसमें यूरिया मिलाया गया है। आधे कप दूध में तेजी से पानी मिलाएं। यदि उसमें झाग उठने लगे तो समझ लें कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की गई है। 5 ml कच्चे दूध में दो बूंदे प्रोमो क्रिसाल पर्पल सॉल्यूशन डालें। अगर इसका रंग नीला हो जाता है तो यह दूध के मिलावट होने की पहचान है। दूध को सामान्य से ज़्यादा समय तक के लिए उबालें। मलाई पीले रंग की जमी है तो उसमें यूरिया व अन्य केमिकल मौजूद है। थोड़ा सा दूध हथेली पर लेकर रगड़ें। यदि वह कुछ ज़्यादा चिकना लगे तो समझ लें कि इसमें मिलावट है। 5 ml अल्कोहल मिलाएं। अब इसमें 5 बूंदें रोजैलिक एसिड की डालें। अगर 30 सेकंड में कलर लाल हो जाए तो दूध मिलावटी है। दूध की कुछ बूंदों को कटोरी में डालकर हल्दी मिलाएं। यदि हल्दी तुरंत गाढ़ी ना हो तो इसका मतलब इसमें मिलावट है। अंगूठे पर दूध की कुछ बूंदें डालें। यदि वह बहता हुआ कोई निशान ना छोड़े तो समझ लीजिए कि दूध में पानी मिला हुआ है। अगर अब तक आपको लगता है कि दूध में केवल पानी की मिलावट होती है तो आप गलत हैं। कई बार दूध में पानी के अलावा कई हानिकारक सामग्री जैसे साबुन, डिटर्जेंट और केमिकल आदि को मिलाया जाता है, जिससे कि दूध एकदम असली जैसा लगे। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है रोजाना इस्तेमाल होने वाले दूध को कैसे पहचाने कि असली है या नकली। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे हेल्थ वीडियो, ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।